सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। रंगों से भरी इस दुनिया में रंग रंगीला त्योहार है होली। गिले शिकवे भुलाकर खुशियाँ मनाने का त्योहार है होली। रंगीन दुनिया का रंगीन पैगाम है होली। हर तरह यही धूम मची है, बुरा न मानो होली है होली। इस तरह से मनाना होली का यह त्योहार, पिचकारी से बरसे सिर्फ प्यार। यह त्योहार है अपनों से प्यार करने का, तो फिर गुलाल और रंग लेकर हो जाओ तैयार। राधा का रंग और कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात ना कोई बोली, मुबारक हो आपको रंगों भरी होली। आज का पंचांग 8 मार्च 2023 दिन बुधवार, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि 7:43 तक रहेगी। इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र 4:20 तक रहेगी। इसके उपरांत हस्त नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 12:30 से 1:58 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा सिंह राशि पर 8:53 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कुंभ राशि पर रहेंगी। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं कि होली को रंगों का त्योहार क्यों कहा जाता है। होली की कई कहानियां हैं। विष्णु पुराण के मत से हिरण्यकश्यप नाम के क्रूर राजा की बहन होलिका के अंत का उत्सव है होली। 8 मार्च यानी आज होली मनाई जाएगी। होली पूरे देश में हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला विशेष त्योहार है। यह हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबसे बड़ी त्योहारों में से एक है। इसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। होलिका दहन पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है और अगले दिन लोग इकट्ठा होकर एक दूसरे को रंग लगाकर होली खेलते हैं। होलिका दहन को कई जगहों पर छोटी होली के रूप में भी मनाई जाती है और अगले दिन रंगों का त्योहार होली मनाई जाती है। कर्क राशि 8 मार्च 2023 दिन बुधवार। आज आप प्रतिबद्धताओं या जटिलताओं से घिरा हुआ महसूस करेंगे। भीड़ में अकेलापन महसूस होना छोटी बात नहीं है। अपने स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और कुछ पसंद ना हो तो ना कहना सीखें। आज के दिन आमदनी से जुड़ा रहेगा। अपने उधार व आमदनी का अंदाजा लगाना और सही आर्थिक फैसला लेना आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। उतार और चढ़ाव दोनों की संभावना है। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो यह समझ लो कि आपने तरक्की के सारे द्वार खुद ने बंद कर लिए हैं। विद्यार्थी अपने पढ़ाई को लेकर फोकस रहेंगे। आप अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाने में भी कामयाब रहेंगी। कुछ खर्चे और चुनौतियां आपके सामने आएगी परंतु आप उन्हें हल भी कर लेंगी। आज कोई अपेक्षा न होने से अपनी क्षमता के अनुसार काम कर पाएंगी। काम की गति बढ़ाने के साथ जीवन में डिसिप्लिन पर ध्यान देना होगा। जिन लोगों की वजह से आपके स्वभाव में सकारात्मक बदलाव नजर आता है ऐसे लोगों की संगत में रहें। आपका जीवन सकारात्मक तरीके से जल्दी ही बदलेगा। टारगेट पूरा होगा। साथ में जिस धनराशि को प्राप्त करने की आपकी चाह थी वह भी पूरी होगी। रिलेशनशिप से जुड़ी दिक्कत दूर होगी। सावधानियां। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी भी तरह का रिस्क लेने से परहेज करें। ध्यान रहे कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में न आए। इससे परिस्थितियां बिगड़ सकती है और संबंधों में भी कटुता आ सकती है। बात करते हैं लव लाइफ की। आज किसी खास औषधि या सरप्राइज के लिए तैयार हो जाएं, क्योंकि आज का दिन खुशियों भरा है। संचार, संगीत, नृत्य और फोटोग्राफी से आप अपने दिल के सबसे करीबी को प्रभावित कर सकती हैं। छोटे भाई बहनों या पड़ोसियों के साथ समय बिताएं। आज आपको कुछ ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ सकता है जिसकी कल्पना नहीं की होगी। निश्चिंत रहें, रोमांस के मामलों में आप भाग्यशाली हैं। किसी से इसका करना और उसका इजहार करना साहसी बनाता है।
रिश्तों के छांव में अपने भविष्य की योजना बनाने से जीवन के वो पल महकने लगेंगे। बात करते हैं करियर की। व्यावसायिक परेशानियों से प्रभावित ना होने दें। यह समय दिखावे का नहीं बल्कि कुछ कर दिखाने का है। बिजनेस पार्टनर के परिवार की समस्या आपको चिंतित कर सकती है। अपनी जिम्मेदारियों का मूल्यांकन करने के बाद कोई आर्थिक निर्णय लें, यह आपके लिए और आपकी इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है। परिवर्तन संसार का नियम है। विशेषताओं में भी समय समय पर बदलाव लाते रहें। फायदे के लिए खुद भी बदलें और जब जरूरत पड़े तो अपनी स्ट्रेटेजी को भी बदलें। बात करते हैं सेहत की। एलर्जी जैसी समस्या रहेगी, साथ ही अपचय और गैस जैसी समस्या से बचने के लिए अपनी खान पान के आदतों में सुधार लाएं। सेहत पर आज आपको ध्यान देने की जरूरत है। आज का उपाय, आज आप गणेश भगवान जी की पूजा आराधना करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।